प्रदेश सरकार उद्योगों की उचित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने सोलन के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श के दौरान दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न खतरे ने उद्योग क्षेत्र के समक्ष अनेक अवसर प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के कारण पड़ोसी देश में कार्यरत अनेक उद्योग भारत में आने के इच्छुक हैं। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश उन्हें बेहतर सुविधाएं एवं उपयुक्त माहौल उपलब्ध करवाने में सक्षम है। पैकेज है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो जो हमारा MSME सेक्टर है उसको क्रेडिट की बहुत बड़ी फैसिलिटी आत्मनिर्भर भारत में मिली है, उसकी समीक्षा बहुत ज़रूरी थी करनी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट फूड प्रोसेसिंग को लेकर है, तो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए अगले 4 से 5 वर्षों पे में खर्च करने का और फूड प्रोसेसिंग को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल में और पर्टिकुलरली सोलन में वो अपार संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर, तो उस पर आज हमने विस्तार से चर्चा करी कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के इस पैकेज में इन 2-3 बड़ी परियोजनाओं में हम हिमाचल में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का एक संदेश ये भी है कि कोविड की चुनौती अवसर में परिवर्तित हो और इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारी चीन पर या बाकी देशों पर डिपेंडेंस कम करे, निर्भरता कम करे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो चाहे वो दूसरे सेक्टर्स हो, वो उनकी तरफ भी मैंने ध्यान आकर्षित अधिकारियों का किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।